दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश भ्रमण पर है। मुद्दा दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश का है। अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई तो कभी हैदराबाद जाकर अलग अलग पार्टी प्रमुखों से मिलकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राज्यसभा में उनका साथ मांग रहे हैं। शुक्रवार को इसी सिलसिले में केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी रांची पहुंची हैं। मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का भरोसा दिया। केजरीवाल जी ने जो के ऊपर जो चीजें थोपने का प्रयास हो रहा है, इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है और इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है, मैं इनको चाहूंगा कि ये अपनी मुहिम में सफल हो ताकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची रहे। मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाली नौवीं पार्टी बन गई है। जेडीयू, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, डीएमके और केसीआर की भारत राष्ट्र समिति ने पहले ही केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सोरेन के ऐलान के साथ राज्यसभा में मोदी सरकार के कम संख्या बल के खिलाफ केजरीवाल का ये अभियान और मजबूत हो गया है, लेकिन असली मजबूती तब मिलेगी जब कांग्रेस साथ आएगी। रांची में जब केजरीवाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। पूरा देश देखेगा तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। 140 करोड़ लोग, हमें अब वेस्ट बंगाल का साथ मिला, तमिलनाडु के लोगों का साथ मिला, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला, पंजाब के लोगों का साथ मिला, झारखंड के लोगों का साथ मिला, सारे देश भर में हम जा रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है, क्यों नहीं साथ आएंगे लोग। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9।